के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्म निरपेक्ष, समाजवादी धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्र लोकराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार विचार, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति, विश्वास विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस, अपनी इस संविधान सभा में, संविधान सभा में आज तारीख, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकक द्वारा, को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं, और आत्मापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने आतंक प्रभाव को करें। चाहे वो हमारे साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हो या प्रिंट मीडिया या टोटल मीडिया के सभी पत्रकार का रोड का हम इस कार्यक्रम में गाँव का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हमारे बीच सभी को मनाने का मतलब कोई बहुत बड़ी आपदा पड़ी होगी तब जाकर ऐसे महोत्सव मनाए जाते हैं। तमाम हमारे साथियों ने मनी सभाजीत सिंह शिक्षक जी, अजय सिंह जी, सोमधर पटेल जी, रविंद जैसव जी, पवन शंकर जी, नौशादी साजी जी, मेहताब पांडे तमाम साथी हैं, अदनी सिंह रानीपाल जी, रामानुज यादव जी तमाम साथी हैं। कभी विचार किया कि तमाम महोत्सव, कोरोना महोत्सव, युवा महोत्सव, तमाम तरह के महोत्सव अपने देश दुनिया में अपने जनपद में होते हैं, लेकिन हम सभी ऐसा विचार करें जिस महोत्सव के माध्यम से लोगों में एक नई किरण जाए। अब यह महोत्सव क्यों, संविधान महोत्सव मनाने का क्या मतलब? संविधान महोत्सव मनाने का मतलब है जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, हमारे संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते क्योंकि संवैधानिक मंच है, तमाम दल के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित है। जो भी दल हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है उस दल का अवश्य विरोध होगा। सभी साथी अवश्य समझेंगे कि किस दल ने हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया। संविधान को बताना हम आप सबका ही कर्तव्य है। हम सब अवश्य संविधान को बचाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ लड़ेंगे। हमारे तमाम साथी बैठे हैं, सभी लोग अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आखिर हमारे देश में मनवा धावी क्यों होता है? मनवा धावी होने का अजीब भेद कारण है। समय समय में जल्दी बोलना चाहूंगा, मनवा धावी होने का मतलब है बर्जनों का जातिवाद। जिस तरह से पूर्वी का तमाम हजारों जातियों में बटे लोग जब जातिवाद आपस में करेंगे, आपस में जात के नाम पर लड़ेंगे तो मनवाद का हावी होना तय है। मनवाद यदि पूरी तरह से हावी हुआ तो यह देश प्रदेश नहीं सर्वप्रथम बहुजन समाज के लिए खतरा है। मनवाद को तोड़ने के लिए जात को तोड़ना होगा। सर्वप्रथम मनवाद को यह खत्म करना है तो जात के तोड़ो और जमात को जोड़ने की बात करो। हम इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त साथियों का पुनः धन्यवाद देते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय कम है, अगले वक्ता को बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरदार, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद
आयोजन मंडल के हमारे सम्मानित साथी पवन सिंघाल जी और हम दूसरे हमारे आयोजन मंडल के साथी भाई प्रधान जी सुहास रविंदर जैसल जाटो जी से आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आने 5% के भी बराबर नहीं है जो हमारा इतना बड़ा सैलाब है उसके बावजूद हम लोग खंड खंड में बांटकर आज हम बिखरे हुए हैं। आज समय